यारों, अब हमारे भारत की लेडी पहलवानों ने भी अपने गोल्ड मेडल्स को मशहूर मुक्केबाज मोहम्मद अली की तरह नदी में फेंकने का फैसला किया है। असल में दोस्तों, भाजपा सांसद पर 7 लेडी पहलवानों ने सेक्सुअल हैरेसमेंट का आरोप लगाया है और दिल्ली पुलिस में इसकी एक FIR भी दर्ज कराई है। लेकिन इसके बावजूद भी पिछले 1 महीने से अब तक भाजपा सांसद पर किसी भी तरह की कार्रवाई नहीं की गई है। इसी वजह से अब लेडी पहलवानों ने ये फैसला लिया है कि वो अपने गोल्ड मेडल्स को नदी में फेंक देंगी और इस वक्त चारों तरफ इसी बात की चर्चा हो रही है। बहुत सारे लोगों ने ट्वीट करके कहा कि जो सन 1960 में अमेरिका के मशहूर गोल्ड मेडलिस्ट मोहम्मद अली ने नस्लवाद यानी नस्ल परस्ती के खिलाफ किया था, वो अब हमारे भारत में भी होगा। असल में दोस्तों, अपने देश अमेरिका के लिए ओलंपिक गोल्ड मेडल जीतने के बावजूद भी सिर्फ काले होने की वजह से मोहम्मद अली को अपने देश में वो इज्जत नहीं मिल पाई थी जिसके वो हकदार थे। इसी वजह से उन्होंने अपना पहला गोल्ड मेडल एक नदी में फेंक दिया था और आज हमारे भारत में भी महिला पहलवानों के साथ वही किया जा रहा है। उन्हें भी वो इज्जत नहीं दी जा रही है जिसकी वो हकदार है, इसीलिए उन्होंने भी अब गोल्ड मेडल्स को गंगा नदी में फेंकने का फैसला किया है। वीडियो को लाइक जरूर करें।